बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। नहीं बड़ी बड़ी कुछ बात आके बड़ी, भरोसा बढ़ा, समाधान निकलेगा। किसानों के साथ हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं और लगातार भारत सरकार चर्चा में है, तो स्वाभाविक रूप से जब खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं तो किसान को अगर कहीं परेशानी है तो उस परेशानी का निराकरण करना भी हमारा दायित्व तो है। संशोधन से दूर होगी किसानों की चिंता। एमएसपी के बारे में उन सब लोगों का मत था तो हम लोगों ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है। पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि एमएसपी पर इन कानूनों से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। बातचीत सकारात्मक, आंदोलन खत्म होगा। आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। नहीं आंदोलन वापसी का कहां सवाल आ गया, आंदोलन तो बढ़ेगा आंदोलन। शनिवार को मिलेगा मंगल समाचार। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे हम सारे चलते हैं और डिस्कशन बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है और आस है कि आंदोलन परसों खत्म होना चाहिए। पांचवा संवाद, खत्म होगा विवाद। आप देख रहे हैं जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम में हर एक जानकारी ग्राउंड से जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का आज नौवां दिन है। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार ने नए कानून में किसानों की कई आपत्तियों पर विचार शुरू कर दिया है और अब पांचवें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। आज 11 बजे किसान यूनियन सरकार से पांचवें दौर की बातचीत के लिए बैठक कर अपनी रणनीति बनाएंगी। आज का क्या क्या कार्यक्रम है किसानों का वो आपको बता रहे हैं। वहीं सरकार भी दिन भर किसानों की आपत्तियों पर मंथन कर 5 तारीख को उन्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में किसानों को इस शनिवार मंगल समाचार मिल सकता है, लेकिन इस बीच दिल्ली वालों को इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा कि आखिरकार उनका संकट कब खत्म होगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन जब इस मीटिंग को खत्म करके सरकार के मंत्री और किसान नेता बाहर निकले तो बातों से यह साफ नजर आया कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ा है। 7 घंटे तक चली चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों ने नए कृषि कानूनों पर अपनी आपत्तियों को रखा। सरकार ने इन सभी आपत्तियों को ध्यान से सुना। अब 5 दिसंबर को होने वाली पांचवें दौर की वार्ता निर्णायक हो सकती है। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचे। मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्यों इस बात का दावा किया जा रहा है कि शनिवार को होने वाली बैठक के दौरान किसानों को मंगल समाचार मिल सकता है। दरअसल सरकार किसानों की कई मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ बैठक के बाद बताया, विवाद समाधान के लिए एसडीएम स्तर से आगे न्यायालय जाने की छूट पर विचार हो रहा है। एपीएमसी मंडियों और निजी मंडियों को समान अवसर सुनिश्चित करवाने पर विचार किया जा रहा है। किसानों की मांग थी कि सिर्फ पैन कार्ड से कारोबार ना हो, कारोबारी रजिस्टर किया जाए, सरकार इस पर भी विचार कर रही है।
इसके अलावा नए कानूनों से मंडियों के कमजोर होने की किसानों की चिंता पर विचार हो रहा है। पराली और बिजली संबंधित कानून पर किसानों की चिंता पर भी सरकार गौर कर रही है। साथ ही साथ सरकार छोटे किसानों को भूमि सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त करेगी। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। इस मामले में सबसे बड़ा विवाद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर खड़ा हुआ है। सरकार किसानों को भरोसा दिलाएगी कि MSP पर खरीद प्रक्रिया जारी रखने, उसमें सुधार करने और उसके विस्तार के लिए वो प्रतिबद्ध है। MSP के बारे में उन सब लोगों का मत था, तो हम लोगों ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता लगती है तो हम पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि MSP पर इन कानूनों से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा और MSP जारी रहेगी। वहीं सरकार से चौथे दौर की वार्ता के बाद किसानों के अंदर भी इस बात की उम्मीद जागी है कि सरकार उनकी बात सुन रही है। लेकिन किसानों की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। नहीं बड़ी बड़ी कुछ बात आके बढ़ी नहीं, आंदोलन वापसी का कहां सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा, बढ़ेगा आंदोलन। 5 तारीख को पूर्ण रूप से फाइनली होना चाहिए। चौथे दौर की वार्ता के बाद अब सरकार आज दिन भर किसानों की मांगों पर मंथन करेगी। वहीं सभी किसान संगठन आज सुबह 11 बजे एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद शनिवार को दोपहर 2 बजे एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी और 5 दिसंबर को होने वाले इस बैठक में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दोनों पक्ष आश्वस्त नजर आ रहे हैं। परसों फिर दोबारा मीटिंग होगी, वो डिस्कस करेंगे उसके जो हमारी उनको हमने समाधान दिया है, डिस्कस करके परसों इसको फाइनल करेंगे। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और हमें आशा है कि परसों ये आंदोलन भी खत्म होगा और किसानों की ये जो मांगे जो मानी है वो मानी जाएंगी। आगे बढ़िया, जो पहले हाफ टाइम में तो हमको ऐसा लगता से कि आज जो बात है ये टूट जाएगी, बेसिट्टा निकलेगी, और दूसरे राउंड में ऐसा लगा है कि सरकार को कुछ ये जो आंदोलन है इसका दबाव है और बाद में अच्छे माहौल जब बात हुई है, कुछ उम्मीद बनी है भाई। उम्मीद बनी है, जो उम्मीद है। फिलहाल सभी को इस बैठक का इंतजार है क्योंकि संतुष्ट होने के बाद ही किसान दिल्ली में आंदोलन खत्म करेंगे और दिल्ली वालों की मुसीबत कम होगी। धन प्रकाश दुबे के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज दिल्ली। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरुण भसीन हैं सिंघू बॉर्डर से और साथ ही राजू राज हैं यूपी गेट से। दोनों को आप देख रहे हैं। वरुण, आपके साथ मैं देख पा रही हूं किसान है वहां पर, आज बैठक होने वाली है थोड़ी अब से कुछ ही घंटों में, 5वें स्तर की बैठक किसान यूनियन करेंगी। क्या रणनीति वो तय कर रहे हैं और क्या समाधान की तरफ अब सरकार और किसान दोनों बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो कल की मीटिंग थी उसमें किसानों की तरफ से जो क्लॉज बाय क्लॉज हर एक पॉइंट को बताया गया था कि सरकार ने अपनी तरफ से सुना, उसके बाद हर चीज पर उस हर क्लॉज पर सरकार ने बताया कि जो चीजें हैं हम उनपे मानने के लिए तैयार हैं, संशोधन है उनको करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या कुछ चीजें हैं, अब किस तरह की रणनीति हो किसानों की, सीधा जानते हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं मैं सर। सरकार संशोधन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें थी क्लॉज बाय क्लॉज, आप लोगों ने कल पॉइंट बताए, सरकार ने समझे सुने, उसके बाद अब आप लोग क्या कह रहे हैं कि वो संशोधन जो सरकार मान रही है उनसे आप राजी हैं? जो पांचवी जो अभी वार्ता होनी है, क्या वो एक सकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं नतीजा दे सकती है? किसान विद्युत संघर्ष पंजाब जिला अमृतसर प्रधान लखविंदर सिंह बोल रहे हैं जी। ये जो बड़ी समझने वाली बात है कि आज तक ये वो 3 जून से बिल आए थे जिनको कानून का रूप दिया गया, अब तक जो है कल तक 3 तारीख तक जो है इसकी छाइयां ही गिनाएंगी कि किसानों को पता नहीं आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होंगे। कल ये तो मानने के लिए तैयार हुए, अभी माने हैं कि 39 इसमें कमियां हैं, ये 39 नहीं से आगे भी कमियां तक बताएंगे, परंतु ये पूरे का पूरा ही जो है कमियां वाला ही है, अच्छाई इसमें एक भी नहीं है।
इसी में तभी संशोधन हो सकता है जब ये पूरे कानूनों को रद्द किया जाए। ये ऐसी कौन सी बात है, कौन सी धातु के बन गए हैं जो कानून बन गए दोबारा कैंसिल नहीं हो सकते। जब कुछ बहुत से पॉइंट्स थे जिन पे सरकार जवाब देती हुई नजर आई, जिसपे यूनियन की तरफ से जो सवाल थे जो कल लेके पहुंची थी यूनियन, उन पर सारी चीजों पर जो प्राइवेटाइजेशन की बात थी या फिर मंडी के रूल को लेकर बात थी, जो निजी मंडी और सरकारी मंडी के जो कर की बात की गई सरकार की तरफ से, तो उन वो चीजें एक ना एक पॉजिटिव थी। तो क्या इस तरीके के संशोधन कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए आप आए हैं, जो दिल्ली चलो का आंदोलन है, उसको अच्छे से दिखा रहा है और एक पॉजिटिव वे में सब कुछ गया है चार बार की वार्ता, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या इस तरीके के संशोधन अगर पन्नों पर आ जाते हैं तो आप लोग तैयार होंगे? देखो एक अड़ियल रैया है, एक अड़ियल रैया है कि हमने अपने जो बात किया इसे पीछे नहीं हटना। किसान तो मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में दिल। सरकार तो पूरी तरह से अब लचीला रुख अपना रही है, सब कुछ मानने को मतलब कि तैयार है कि जो जो संशोधन है वो भी करने को तैयार है। उसको लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर आपको क्या लगता है कि अब क्या ये चीजें एक पॉजिटिव वे में जा रही हैं और कल इस जो पांचवी वार्ता है उसमें कुछ नतीजा निकल सकता है? जिन्हें इतने आदेश है वो मैंने भी सारे दे सारे जड़े ना अंताली जड़िया अखंडे भी खामियां, पर मैं कहना वो सारा ही जड़ा है, सारियां खामियां उस एक भी जड़ी चीज है, कोई पॉजिटिव नहीं है, सारी नेगेटिव ही है। बिल्कुल सर, एक मैं आपसे सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत, कि जो पांचवी वार्ता है वो सरकार की तरफ से कहा गया बहुत पॉजिटिव जा रही है, संशोधन उनकी तरफ से कहे गए रचीला लुक अपनाया गया कि हम इन चीजों पे मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या संशोधन कहीं ना कहीं नतीजा हो सकता है या फिर आपकी तरफ से अब जो पांचवी वार्ता होगी उसमें क्या मुख्य बिंदु होने वाले हैं जो आप लोग रखेंगे? देखिए बिंदु तो यही होगा दिन से है कि ये बिल रद्द होने चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं कि पांचवी बार जो मीटिंग हो रही है शायद पॉजिटिव जाए, इसके लिए हम कह रहे हैं जो पॉजिटिविटी आई है ये इसलिए आई है पूरे देश का किसान है, जो पूरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। दो बातें हैं ना, अब आज पूरा दिन सरकार लगने लगा है, उन तमाम पहलुओं पर मंथन करने वाली है जो कल बैठक में सरकार के आगे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने रखा है और किसान अपने स्तर पर इस पर बैठक कर मंथन करेंगे। राजू आप मुझे ये बताइए कि अभी आज दिल्ली वाले भी ये जानना चाहते हैं उनकी ये परेशानी कब खत्म होगी और आज उनके लिए ज्यादा परेशानी क्या होने वाली है? आंदोलन का नौवां दिन है और अभी तो मंथन का दौर ही चल रहा है। पयोधी आज नौवां दिन है और जिस तरीके से पिछले तीन दिनों से हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली में जाम की समस्या बढ़ गई है। जाम की समस्या के पीछे जो मुख्य वजह है कि तमाम बॉर्डर सील किए गए हैं जो हरियाणा पंजाब से जुड़ते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो एनसीआर को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नोएडा, इन तमाम जगहों पर पिछले दो दिनों से किसान डटे हुए। कल एक्सप्रेस वे पे जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है उस पर लोग बैठ गए और आज भी लोग वहां पर यथावत बैठे हुए हैं। वहां पर जिस रोड को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिहाज से काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और जिस वजह से परेशानी बढ़ सकती है। कल चूंकि ये रोड सुबह का टाइम पे खुला हुआ था और उसके बाद अचानक इस रोड को बंद करने का प्लान किया गया, रोड बन गया, जाम की स्थिति बनी हुई है। तो जो लोग अगर उनके पास जरूरी काम नहीं हो, अगर दफ्तर जाने की दिक्कत ना हो तो वो वैकल्पिक रास्ता से ही जा सकते हैं, क्योंकि जो लिंक रोड है जो दिल्ली और एनसीआर को जोड़ती है गाजियाबाद का NH-24, इस रास्ते को अवॉइड करना होगा। इसके लिए आपको अप्सरा बॉर्डर से आपको दिलसाद गार्डन होते हुए दिल्ली जाना होगा। जो लोग नोएडा से जाते हैं उन्हें फरीदाबाद की ओर जाना है तो उन्हें कालिंदी कुंज के रास्ते होते हुए जाना होगा या फिर नोएडा एक्सप्रेस वे होते हुए उन्हें दिल्ली जाना होगा, क्योंकि गौतम का समाधान हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान अपनी समस्या रख चुके हैं सरकार के आगे, सरकार समाधान पर मंथन कर रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए उनकी समस्या का समाधान कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। धन्यवाद आपका राजू। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।